हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल इट्स यूनिकॉर्न मेकअप आर्टिस्ट। सो आज का वीडियो होने वाला है स्किन प्रेप पे। बिफोर हम मेकअप, हम लोग मेकअप से पहले कैसे अपना स्किन प्रेप करें। सो मैं इस पर बहुत लोग को इस पर बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि क्या क्या स्किन प्रेप में लगाना चाहिए, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना चाहिए। तो मैं उस पर आज वीडियो लाई, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि स्किन प्रेप पे वीडियो लाइए। सो या आई एम हियर। सो मैं वीडियो ला चुकी हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना मत भूलना, बिकॉज मैं कोई भी वीडियो अभी अपलोड करने वाली हूँ बेस मेकअप की एंड मेकअप आई मेकअप की ट्यूटोरियल्स, ये सारे तो आप मिस ना करो, इसलिए आप बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए। सो या विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गो। तो सबसे पहले स्किन केयर में अपने आपके फेस पे जितने डर्ट्स हैं उसको रिमूव करेंगे हम लोग। आप पहले फेस वॉश डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मिसलियन गार्नियर का मिसलियन वाटर यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं यूज़ करके पहले अपने फेस से जितना मैंने मेकअप किया है, मैं बाहर गई हूँ, डस्ट थोड़े रह गए हैं उससे सारे रिमूव हो जाए, तो मैं ये यूज़ करूँगी एंड इसके बाद मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी। ये डॉट एन की का फेस वॉश है, काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा डीप क्लिनजिंग करता है ये। मैं डबल क्लिनजिंग कर रही हूँ अपने फेस को एंड ये मैं इससे मिस क्लियर वाटर से भी करूँगी एंड ये फेस वॉश से भी मैं करूँगी। इसको डबल क्लिनजिंग कहते हैं। अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी तो मैं वॉइस ओवर भी कर दूँगी, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। सो पहले स्टार्ट करते हैं इससे। अच्छी तरह अपने फेस के सारे डर्ट्स को रिमूव करेंगे। सो यू कैन सी, इसको मत देखना, ये देखो। और ये ध्यान देना कि अपने फेस को तो क्लीन करना ही है, बट अपने नेक को हम कभी मत भूलना। सो नेक को भी प्रॉपर कवर करना। सो यहाँ पे मैंने मिसलियर वाटर से मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। सो अब हम लोग डबल क्लिनजिंग के लिए मैंने यहाँ पे फेस वॉश लिया है, इसको मैं फेस वॉश करूँगी। ये डॉट एन टी का फेस वॉश है। कि भी आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो पहले अपने फेस को वेट कर लो, अपने फेस को गीला कर लो, देन आप फेस वॉश लो एंड तो रब करो एंड अपने फेस पे 5 मिनट तक रबिंग मोशन में, सर्कुलर मोशन में करके, सर्कुलर मोशन में अपने हैंड को मूव करके 5 मिनट उस पर करो एंड देन अपने फेस को वॉश कर लो। सो अपने फेस को हमेशा वेट ही यूज़ करना फेस वॉश। डायरेक्ट आपके फेस ड्राई है तो फेस वॉश डायरेक्ट मत लगा लेना, ये थोड़ा आपके फेस के पीएच लेवल को हार्म कर सकता है। सो मैं फेस वॉश करके मैं फेस वॉश करके आ रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग पैड ड्राई करेंगे, प्रॉपर ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा वाटर रहने देंगे अपने फेस पे। यहाँ पे मैं हैंड रबिंग कर रही हूँ फेस पे थोड़ा सा। ये मेरा खुद का पर्सनल है कि मैं अपने हैंड को ज़्यादा रफ करके अपनी फेस पे करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे फेस के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा सर्कुलेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई। एंड देन अब हम लोग यहाँ पे फेस टोनर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन टी टोनर लिया है गुड वाइब्स का। जो पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो चेक करेंगे, आप मेरे सारे वीडियोस में देखते हो कि मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो पहले चेक करती हूँ उसके जितने मिनरल्स होंगे एक्टिव हो जाएंगे, देन अपने फेस पे इसको हम लोग स्प्रे करेंगे। अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे, कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। फेस टोनर क्या करता है, आपके फेस के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो आपके फेस के पीएच को मेंटेन करता है एंड अगर आप सिर्फ मेकअप टाइम में ही स्प्रे कर रहे हो तो वो आपके पोर्स को बस मिनिमाइज़ करता है, जितने भी आपके पोर्स ओपन है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता है। सो यहाँ पे इसको भी हम लोग एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देंगे। सो यहाँ पे मेरा रोज टोनर ड्राई हो चुका है, अब मैं फेस सीरम यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं बेला विटा का फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ।
अगर आप फेस सीरम नहीं यूज़ करना चाहते, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्सेस ड्राई है, तो आप फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। सो फेशियल ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है एंड फेशियल सीरम ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, थिन होता है। सो आप मैं सजेस्ट करूँगी, अगर मेकअप आप कर रहे हो तो ऑलवेज़ आप ट्राई करो कि आप फेस सीरम ही यूज़ करो, फेस ऑयल ना यूज़ करो। सो यहाँ पे मैं फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ, 2-3 ड्रॉप। बंद एंड इसको इक्वली सेपरेट करेंगे पहले। एंड इसको 2 मिनट तक मैक्सिमम मसाज करिएगा। आपने नोटिस किया होगा मैंने कोई भी स्टेप किया है उसमें 2 मिनट के लिए छोड़ा है, 1 मिनट के लिए छोड़ा है, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए छोड़ा है। आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ताकि आपकी स्किन को भी मौका मिले उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की, आप क्या लगा रहे हो आपकी स्किन वो चीज़ एक्सेप्ट कर पाए। सो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, इवन आप मेकअप भी लगाओ या कोई भी स्किन प्रेप करो कि फेस पे कुछ भी लगाओ, तो उसे थोड़ी देर उसको छोड़ दो ताकि आपकी स्किन भी समझ पाए कि हाँ मेरे स्किन मेरे लिए क्या मिल रहा है और मैं उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है मैं उस पर वो काम कर सकूँ। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड यू कैन सी बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो गए। एंड यू कैन सी ये सीरम में थोड़ा सा ऑयलमेंट भी है, वो ये देख सकते हो आप, मेरी फेस थोड़ी स्टिकनेस लग रही है बट कुछ देर बाद ये सही हो जाएगी। स्टेप के बाद आप मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे। सो यहाँ पे मैं बैल्टी का मॉर्निंग नेक्टर का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। आप देखोगे पहले मैं निविया का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकती थी, आई मीन करती थी। सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ निविया का यूज़ कर रहे हो या स्किन फ्रूट स्किन का यूज़ करो, कोई भी ब्रांड का अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ करो तो इवन आप हमेशा वही यूज़ करो, ऐसा नहीं हो सकता। आप वेदर के अकॉर्डिंग अपना स्किन देखो कि आप एनालाइज करो कि मेरे स्किन में क्या चेंजेस आए हैं वेदर के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग आप अपने स्किन केयर रूटीन चेंज करो। तो इस टाइम समर चल रहा है तो मैंने निव्या का मॉइस्चराइजर चेंज करके, क्योंकि वो ज़्यादा ऑयल ऑयल छोड़ता है, इसलिए मैंने निव्या का थोड़ा स्किप करके यहाँ पे मैं बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर का यूज़ किया। काफ़ी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप चेकअप कर लेना। सो यहाँ पे अप्लाई करना है। चाहे आपकी ऑयली स्किन है या बहुत ऑयली स्किन है, तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि ऑयली स्किन नहीं होती वो मॉइस्चराइजर स्किप करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑलवेज मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है। चाहे आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओ कि चाहे मॉर्निंग नेक्टर का नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाओ जो ज़्यादा ऑयल नहीं छोड़ता है। ऑयली स्किन वाले ज़्यादा प्रेफर करें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाने का, मेरे पास नहीं है नहीं तो मैं आपको दिखाती, बट मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसको ज़रूर परचेस कर लेना। यहाँ पे हमारा मॉइस्चराइजर लग चुका है, अब हम लोग उसको भी छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, देन अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा फेस का स्किन केयर हो गया। अगर आप चाहते हो अपने लिप्स का भी स्किन केयर करना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपने लिप्स स्क्रब करोगे। सो मैं लिप्स स्क्रब के लिए मैं बता देती हूँ। सो मैं लिप स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे डॉट एन की का लिप स्क्रब यूज़ करती हूँ, यू कैन सी अगर दिख रहा हो तो। सो यहाँ पर डॉट एन की का लिप स्क्रब है, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सो अगर आप चाहोगे तो मैं प्रॉपर स्किन केयर पे वीडियो बनाऊंगी, ये तो स्किन प्रेप की वीडियो है बिफोर है मेकअप का। सो अगर चाहोगे तो मैं प्रॉपर स्किन केयर की भी वीडियो बनाऊंगी। सो मैंने वहाँ पे जब लिप्स लिप प्रेप करना था तो मैंने यहाँ पे लिप स्क्रब किया था, देन थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया था, फिर उसको रिमूव कर दिया 5 मिनट बाद, एंड देन यहाँ पे ये मेबलिन का मैं यहाँ पे लिप बाम लगा दूँ। काफ़ी पिगमेंट लिप बाम है इसको, अगर आप लिपस्टिक अच्छा नहीं लगता आपको लगाना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बात तो बात है।
सो जब तक आप मेकअप करोगे आपका लिप्स भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो जाएगा। सो या हमारा यहाँ पे स्किन प्रेप हो चुका है अच्छी तरह से, अब हम लोग मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मेकअप की वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो या इससे पहले भी आ सकती है, तो आप एक्टिव रहना। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड आपको स्किन प्रेप वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं स्किन पूरा स्किन रूटीन में लाऊँ अच्छी तरह से, प्रॉपर स्किन रूटीन, मेरी क्या क्या स्किन रूटीन है, स्किन रूटीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट ज़रूर करना कि हाँ मुझे स्किन केयर की वीडियोज़ चाहिए, तो मैं ज़रूर इस पर बनाऊँगी। सो या खुद से प्यार करिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय एवरीवन।